बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सोनी भाई चैनल की टीम आज कपास की वैरायटीज पर बात करती है कि कपास की कौन कौन सी मंजूर शुदा बीटी अकसाम है। इन बीटी अकसाम को जिला वाइज डिवाइड कर दिया है, कौन से जिले में कौन कौन सी अकसाम आप लगा सकते हैं। अगर तो हमारे बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप चलते हैं उन जिले में, ये जो हम वैरायटीज बता रहे हैं ये जी वैरायटी लगाते हैं, तो तब आपकी पैदावार मुतासर नहीं होगी। ये नहीं कर सकते कि आप जो है ना सिंध की वैरायटीज को पंजाब में लगा दें और पंजाब की को सिंध में लगा दें, या फैसलाबाद की को आगे कहीं राजनपुर में लगा दें। तो ये जिला वाइज जो है ना हमने जो है ना एक ग्रुपिंग की है कि आप किस जिले में कौन कौन सी वैरायटीज लगा सकते हैं। ये वैरायटीज मैं आपको बता देता हूँ, ये काफी वैरायटी है, तो ये मैं आपको वैरायटीज इसकी बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले नंबर पर है वो है मुल्तान। मुल्तान में आप कौन कौन सी वैरायटीज लगा सकते हैं, तो उनमें MNH 886 और उसके बाद IUB 13 और उसके बाद FH लालाजार और उसके बाद नियाब 878B और उसके बाद FH 114 और उसके बाद जिला खानेवाल। खानेवाल में आप कौन कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, तो खानेवाल में है FH 142, नियाब 878B, IUB 13, BS 15 और उसके बाद विहाड़ी में आप कौन सी लगा सकते हैं, तो विहाड़ी में है FH 142, BS 15, MNH 886, नियाब 878B और उसके बाद लोधरा। लोधरा में है MNH 886, नियाब 878B, IUB 13, BS 15। तो ये वैरायटी की जो है ना इन लोधरा में जो है ना काफी पैदावार देखने में आई। और उसके बाद डीजी खां में आप कौन कौन सी वैरायटी कास्ट कर सकते हैं, तो उसमें है MNH 886 या नयाब 878B, IUB 13, BS 15, FH 142 और उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में MNH 886, नयाब 878B, IUB 13, BSF और उसके बाद FH 142 और उसके बाद लैया में आप कौन सी वैरायटी कास्ट करें तो ज्यादा पैदावार होगी, तो इसमें NH 121, MNH 486, नयाब 878B, IUB 13, BS 15 और उसके बाद राजनपुर में आप कास्ट करें तो बेहतर पैदावार रहेगी, तो उसमें NS 121, अली अकबर 802, MNH 886, नयाब 878B वगैरह वगैरह और भी काफ़ी हैं। और उसके बाद भावलपुर में ही आप कौन सी वैरायटी कास्ट कर सकते हैं, तो भावलपुर में NS 121, अली अकबर 802, MNH 886, नयाब 878B, IUB 13, BS 15 एटसेट्रा। उसके बाद रहीम यार खां में कौन कौन सी वैरायटी है, रहीम यार खां में MNH 886 है, नयाब 878 है, IUB 13, BS 15, FH 142, FH 114 और उसके बाद बावल नगर MNH 886, नयाब 878B, IUB 13, BS 15, FH 142, FH 114 और उसके बाद फैसलाबाद में कौन कौन सी वैरायटी कास्ट करें तो बेहतर पैदावार रहेगी, तो फैसलाबाद की जो मकबूल वैरायटी है उनमें है पहली SN 121, FH लालाजार और उसके बाद FH 142, BS 15 और उसके बाद जंग में कौन सी वैरायटी मकबूल है, तो उनमें IUB 13, FH 142 और BS 15 और उसके बाद टोबा टेक सिंह में कौन कौन सी वैरायटी बेहतर रहेंगी, तो उसके लिए IUB 13, MNH 486 है, FH 142 है, BS 15 और उसके बखर में आप पास करें कौन कौन सी वैरायटी, तो बखर में आप MNH 486, IUB 13 और उसके बाद FH 142 और BS 15 और उसके बाद नियाब 878B और उसके बाद साहिवाल में कौन कौन सी वैरायटीज मकबूल है, तो MNH 886, IUB 13, FH लालाजार है, FH 142 और BS 15 और उसके बाद उकाड़ा में आप कौन कौन सी वैरायटी काश करें तो बेहतर पैदावार रहेगी, तो उसमें है NH 486, FH लालाजार, FH 142 तो BS 15। तो ये वैरायटीज हैं जिला के हिसाब से जो है ना बीटी अकसाम मंजूर शुदा जो है ना गवर्नमेंट से। तो इसके बाद रवायती अकसाम जो ऑलरेडी लोग काश कर रहे हैं वो भी मैं आपको अकसाम बता देता हूँ जो काश की जा रही हैं। तो ये कम दुराने वाली और ज्यादा दुरानिए वाली भी अकसाम है और उसके बाद कम दुरानिए वाली अकसाम रवायती जो है CIM में 554, नयाब 777, CIM 608, नयाब 112, नयाब 208, 2008 और साइटो 124, CIM 620। ये थी कम दुरानिया वाली और उसके बाद जो ज्यादा दिन का दुरानिया है देर जरा थोड़ा सा टाइम लेती हैं वक्त लेती हैं, तो उनमें है SLH 317, BH 167 और उसके बाद FH 942 और नयाब 852 और नयाब किरण CIR SM। तो ये रवायती अकसाम है
کم دورانیاں والی بھی اور زیادہ دورانی بھی, یعنی کہ جو آلریڈی کاشت کی جا رہی ہیں, جن کی روایت چل رہی ہے جو کاشت کی جا رہی ہیں. تو یہ تو ضلع, یہ ضلع میں میں نے بتا دیے کہ کن کن ضلع میں کون کون سی جو ہے نا ورائٹی مقبول ہیں, کون کون سی ورائٹی جو لگانی چاہیے, جو منظور گورنمنٹ سے منظور شدہ ورائٹیز ہیں. تو یہ یہ جو ہے نا ورائٹیز ہیں, اگر ضلع وائز آپ لگائیں کہ ضلع کے حساب سے لگائیں تو انشاءاللہ ان کی پیداوار متاثر نہیں ہوگی, پیداوار آپ کی مینٹین رہے گی, بڑھے گی. تو یہ نہ ہو کہ آپ ورائٹیز جو ہے نا ضلع کے حساب سے چینج کر دیں. تو جو میں نے ضلع بتائے ہیں ان ضلع میں جو ہے نا آپ نے یہ ورائٹیز آپ نے لگانی ہیں, تو بیشتر ان میں جو ہے نا سیم ہے, تو آپ نے دیکھ لینا کہ کون سی ڈفرینٹ ہے, تو آپ نے یہ جو ہے نا فرق آپ نے خود کر لینا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ہے نا ورائٹیز کی جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ ناظرین سنی بھائی چینل کی ٹیم کو دے اجازت, تو انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.